इसमें देश एवं विदेश के व्यापार जगत से संबंधित एवं उद्योगों से संबंधित राजनयिक उन देशों के प्रतिनिधि तथा औद्योगिक घराने के समूह प्रतिभाग कर रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सशक्त किया जा सके। इसका मूल उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। अभी उत्तर प्रदेश आर्थिक दृष्टिकोण से देश का दूसरा राज्य है, इसे प्रथम राज्य अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करना है। इस इन्वेस्टर समिट 2023 का ये भी उद्देश्य है कि हमारे प्रदेश में लगभग 15 लाख जो प्रशिक्षित युवक हैं, इन सभी को बेहतर रोजगार मिल सके। हमारे प्रदेश में 24% जो एज ग्रुप है वो वर्किंग एज ग्रुप है, जो भी देश की अन्य किसी राज्य में नहीं है। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा इनपुट है और एक संसाधन है। तो इस प्रकार से युवाओं को प्रदेश सरकार द्वारा रोजगार एवं रोजगार लगाने के उद्देश्य से अवेयर करने के लिए ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम आज यहाँ पर आयोजित किया गया है और पूरे प्रदेश में हर जनपद में यह कार्यक्रम हो रहा है। सर, बहराइच को लेकर के क्या आपको निकल करके आया, आपने हम मीटिंग करी, लोगों से मिले? बहराइच की प्रक्रिया बहुत ही सकारात्मक रही। यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय ने बहुत रुचि लेकर के कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराया। छात्रों ने संवाद कार्यक्रम का लाभ उठाया। मुझे उम्मीद है कि इसको और व्यापक स्तर पर जिलाधिकारी महोदय प्रचार प्रसार करके दूर दराज के क्षेत्रों में जो छात्र एवं छात्राएं यहाँ उपस्थित हुई सके उन तक उपलब्ध कराएंगे, वह उनको ये जानकारी से परिचित करा देंगे।